एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड अभी हो गए मॉर्निंग और अभी हम जस्ट फ्री हुए हैं सूट करके। आज मैंने कुछ और गंजा की साड़ी पर करी, क्या हुआ? पार्सल आ रहा स्टार्ट, मतलब मॉर्निंग होती है पार्सल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये आई थिंक फोर्थ थाली है ना। चार थाली हो गई। मैं आपको किसी ब्लॉग में करवा चौथ थाली का कलेक्शन भी दिखा दूंगी। यार मैं ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ला नहीं रहे ना, अब आएंगे क्योंकि अभी तक गणेश जी से रिलेटेड ब्लॉग्स आ रहे थे ना, तो अब जो है वो करवा चौथ से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड और ऐसे भी आएंगे, मतलब जो भी कलेक्शंस होंगे वो भी दिखा देंगे और कुछ न्यू लुक्स भी दिखाएंगे। और बाकी डेली ब्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी। बाकी इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि कैसी है। ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, कैसा लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा मजा आता है पता है। और अब तो मैं कंफ्यूज, इतनी प्यारी प्यारी मतलब थालियां हो गई हैं सब एक से बढ़ के, तो मैं करवा चौथ के दिन मुझे लगता है मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं यूज कौन सी करूँ, क्योंकि सारी के सारे जितनी भी आई है ना सब एक से बढ़ के एक है ना मम्मी। बहुत सुंदर सुंदर थालियाँ हैं, कुछ जैसे साड़ियों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग की कौन से पहने कौन से पहने कौन से पहने, ऐसे थालियों में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्या पहनूंगी करवा चौथ में? लहंगा पहनूंगी कि साड़ी? साड़ी तो मैं रोज ही पहन लूं, लहंगा ही पहनूंगी। लहंगा पहनिएगा यार, है ना? शादी वाला लहंगा पहन लूं कि फिर से? हां 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 हां, हमें लहंगे का यूज तो ज्यादा हो गया है कि लाई मैं खोल दूं? मैं प्यार से खोलिए आराम से। तो ढकने वाला कपड़ा है और क्या सुंदर लग रहा है यार, मतलब इसकी फोटो कितनी प्यारी आ रही है। और इसके साथ क्या क्या है दिखाइए? और इसके साथ में है ग्लास पानी पिलाने के लिए। इसमें भी हम दोनों की फोटो बनी है और बहुत ही सुंदर, मतलब इसको तैयार किया गया है, करवा चौथ पे लिखा हुआ है, सीक्रेट वर्थ पे किया गया है। और ये देखिए लोटा, हैप्पी करवा चौथ। और पता है अच्छा हैवी है, ऐसा नहीं है, लाइट वेट सा नहीं है, बढ़िया है क्वालिटी वाइज। हाँ, और चल रही है, इसमें भी लिखा हुआ है हैप्पी करवा चौथ और हम लोगों की पिक्स है। हाथ में जो करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं। वाओ प्यारा है ना, डेकोरेटेड है ना यार, ये सुंदर बहुत सुंदर गाइस। मतलब हम लोगों के साथ तो अब कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, बिकॉज आप लोगों को ना सारी चीज़ें देख के मज़ा ही आ जाएगा। इतनी सुंदर सुंदर थालियाँ है ना, मैं और भी दिखाऊंगी आप लोगों को। एक काम करेंगे, हम एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें करवा चौथ की थालियाँ दिखाएंगे सारी, और कौन सी थाली किस स्पेस से है ये भी बता, वो भी आपको बता देंगे, तो लोगों को लेने में ईजी हो जाएगा कि हाँ जिसको जो पसंद आ रही हो, और सारी बजट फ्रेंडली रहेंगी। ठीक है, यस। गाइस नेक्स्ट पार्सल इज हियर, इसको मैं ओपन करती हूँ। बाकी इसका ओपनिंग वीडियो आपको देखना होगा तो आपको आगे दिख जाएगा क्या, लेकिन आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो उसमें पहले आपको दिख जाएगा कि इस पर क्या है। एवरीवन, सो उतने समय के बाद अब जाके हम आ रहे हैं वापस से। और अभी हम फ्री हुए हैं सूट करके, अब जा रहे हैं, शाम होने लगी है तो चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। मतलब इस तरीके से दिन जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। कैमरा भी आज तो ये हुआ है कि हमने दो शूट कर लिए हैं। हाँ, अभी दो सूट किया है, मे भी हो सकेगा तो रात में एक और सूट कर लेंगे। कपड़े दिख रहे हैं हमारे घर के? दिखेंगे यार, हैं तो दिखेंगे ही। क्या करें, अभी ये देखिए हालत कुछ अभी यहाँ की ऐसी है। बैक साइड का कंस्ट्रक्शन अभी बचा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट रह गया है, मतलब ये वाला फ्लोर रह गया है। यहाँ तीन वो है, तीनों घर का, और हमारे घर का अभी इसका यहाँ का भी वो बचा हुआ है, क्या पुट्टी और डैम प्रूफ जैसा कि यहाँ हो गया। हाँ, आपको पता है क्या ये घर किसका है? ये वो उस दिन फोन किए थे ना जिन्होंने, संत भैया करके जो है उनका है। ये भी ये वाला ये है? नहीं नहीं ये है, वो किसी और का। अच्छा, हाँ उनका ये नंबर अपने जस्ट बैक साइड वाला, उन्हें नवंबर की डेट मिली है, हालांकि देखते हैं नवंबर तक कंप्लीट होता है कि नहीं। हाँ,
हो जाएगा, हो भी सकता है क्योंकि जब काम करने में लोग आ जाते हैं तो हो जाता है वो, है ना। हाँ, बहुत स्पीड से काम होता है, जैसे हमारे घर का हुआ था और हम लोग तो खैर पीछे लगे हुए थे क्योंकि हमें चाहिए ही था जल्दी। सही बात है। एंड गाइस, अभी मैंने वेयर करके रखी है प्यारे से रेड कलर की साड़ी, इतनी सुंदर है ना ये साड़ी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर खिल भी रही है। हालांकि रेड कलर वैसे भी हम लोगों का मतलब पहले से ही बहुत फेवरेट रहा है, तो रेड ब्लैक ये कलर ऐसे हैं, ऑल पर्पस, ऑल टाइम कलर है। और पता है मतलब एक वो रॉयल ब्लू कलर की साड़ी आई है, मतलब मेरे पास बहुत सुंदर साड़ी आई है गाइस, वो मैं आपको दिखाऊंगी, स्पेशली बताऊंगी कि ये वही साड़ी है। वेट कीजिएगा, अभी ब्लाउज स्टिच होने के लिए गया है। वो साड़ी बहुत सुंदर है और उसको लेके मेरे अरमान है, कुछ अरमान कि मैं चांदनी रात में चांद की रोशनी के नीचे वो साड़ी पहनकर वीडियो बनाऊं। डोंट वरी, अभी वो आने वाली है ना शरद पूर्णिमा, चांद की रोशनी प्रॉपर रहती है, फिर हम लोग यहीं आकर शूट करके बनाएंगे, ठीक है। कपड़े डांस वाला वीडियो, हां ठीक है, ब्लू कलर की शर्ट पहन लो। आप लोग वेट कीजिएगा गाइस, मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी गाइस, ओके। हालांकि वो हमारा पर्सनल मोमेंट होगा, पर फिर भी मैं शूट करूंगी, शेयर करेंगे आपके साथ। पता है ये बात मैंने कब बोली थी इनसे, शादी से भी पहले, कि मुझे एक रॉयल ब्लू कलर की पतली वाली साड़ी पहननी है, क्योंकि शादी के पहले तो साड़ी पहनते नहीं है, तो मतलब साड़ी को लेकर के एक अलग क्रेज होता है। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। इस बार हमारी होने वाली है 7th वेडिंग एनिवर्सरी, फेब, ठीक है, तो 7th वेडिंग एनिवर्सरी हम सभी लोग साथ साथ मनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस बार की एनिवर्सरी कुछ अलग स्पेशल आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है, ठीक है ना, चलेगा। इनकी एक ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये शी इज नो डिमांडिंग गर्ल, मतलब इनकी कोई भी डिमांड नहीं रहती है, इनका बस एक ही डिमांड है, मैं इनकी आंखों के सामने रहूं 24 घंटे, बस इनकी यही डिमांड है। और मैं रहता भी हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए भी इधर-उधर जाता ना, मतलब सच बताऊं मेरा खुद भी घर के बाहर इनके बिना मन नहीं लगता। मैं अगर कहीं जाता हूं ना तो बस ऐसा सोचता हूं भगवान कब मैं पहुंचूंगा। और भगवान जी ने हमारी किस्मत पे टचवुड ऐसे ही लिखी थी कि मतलब जब हम जॉब करने के लिए हमारा टाइम आए कि हम जॉब करें, तो हम सेम बैंक में मतलब जॉब हो गई हमारी, तो हम घर से साथ निकलते और ऑफिस से साथ घर आते, और अभी वर्क फ्रॉम होम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, और जैसे कि बाकी बॉयज़ की हैबिट होती है कि जाते हैं घूमते हैं दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हैं, वैसे इनकी एक भी हैबिट नहीं है, मतलब इनके लिए तो सब कुछ मैं ही हूँ। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बीएफएफ, माय गर्लफ्रेंड, सब कुछ यही है। और हम जब भी जाते हैं ना तो साथ में जाना अच्छा लगता है। तो मतलब कि एज अ फ्रेंड भी अगर इनको कहीं तफरी मारने जाना होता है ना तो ये मुझे लेके जाते हैं। सो गाइज, अभी मैंने करवा लिया है ऑयलिंग काफी समय के बाद, तो मेरे बाल आप देखिए क्या चमक रहे हैं, और मेरे साथ साथ इन्होंने भी करवाया है। आज मेडिकेटेड ऑयल लगा है गाइज, मम्मी ने हम दोनों को पकड़ा और रगड़ डाला, क्योंकि हम बहुत लेजी हैं अपनी केयर करने में, हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, ऑयल भी ना लगे तो फिर क्या ही होगा। तभी आप देखिए ना मेरा फेस, खैर मैंने कल अपनी ग्रूमिंग करवाया था तो अभी मेरा फेस थोड़ा सा सही लग रहा है, नहीं तो पता ही नहीं क्या हो गया था। और फोन आ रहा है मेरा, पर बाद में उठाते हैं, पहले आप लोगों से बात करना जरूरी है। तो आज बन रहा है यहाँ पर पिज्जा, मैं यहाँ पे पिज्जा टॉपिंग रेडी कर रही हूँ, पहले मैंने डो बनाया, देन उसके बाद अब यहाँ पे मैं पिज्जा टॉपिंग कर रही हूँ। और सब बहुत दिन से सभी को खाने का मन था कि पिज्जा बने, और पिज्जा बनता है तो ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं ही बनाती हूँ। चल गया है अभी नहीं, तो यहाँ बन रहा है पिज्जा, और जब पिज्जा बनता है ना तो इतनी जोरों की भूख लग जाती है कि पूछो ही मत। कोल्ड ड्रिंक लिया है ना? हाँ, कोल्ड ड्रिंक आ गई है, कोल्ड ड्रिंक देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक हो, मैं देख लूं यार। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्न पिज्जा, कॉर्न और कैप्सिकम कॉर्न पिज्जा। तो आज बनने वाला है कैप्सिकम कॉर्न पिज्जा। मेरा फोन बार-बार बज रहा है तो पहले मैं रिसीव कर लेता हूं। सो यहां पर रेडी हो चुका है ऑनियन कैप्सिकम कॉर्न पिज्जा, और मम्मी लोग देखिए सब अपने अपने फोन में लगी हैं। वाह, गर्मा गर्म, और यहाँ पर है ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। तो इसे कट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब में।
और ये यहाँ पर आ चुकी है हमारी कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक एंड पिज़्ज़ा, टुडेज स्पेशल डिनर।